यस बेटा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। यस बेटा, टुडे वी विल डू, दिस इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ एसेस। टुडे वी विल डू चैप्टर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। एग्रीकल्चर यू नो है ना, जब हम अपनी फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं क्रॉप्स की, एग्रीकल्चर। लाइफ स्टॉक इज फॉर्म एनिमल्स रिगार्डेड एज एन असेट, है ना। लाइफ स्टॉक क्या है? द एनिमल्स यू फाइंड ऑन अ फार्म आर कलेक्टिंग कॉल्ड लाइफ स्टॉक। जो एनिमल्स हम फार्म में देखते हैं इकट्ठे, है ना, कलेक्टिवली देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्टॉक। सो लेट्स रीड द चैप्टर। India is mainly an agriculture country. Agriculture country मतलब वो एक ऐसा नेशन है जहाँ पे फार्मिंग जो है की जाती है। एग्रीकल्चर इज द ऑक्यूपेशन ऑफ 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। जो एग्रीकल्चर है वो एक ऐसा ऑक्यूपेशन है, ऐसा एक पर्सन का जॉब है जो इंडिया की पॉपुलेशन का 2/3 जो है एग्रीकल्चर है, पार्ट है उसका। इट इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पीपल लिविंग इन द विलेजेस। जो विलेजेस में, गांव में लोग रहते हैं, उनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है? फार्मिंग है, एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल लाइक टेक्सटाइल, शुगर, ऑयल, जूट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। और जो एग्रीकल्चर है वो हमें क्या देती है? फूड प्रोवाइड करती है और काफी सारा रॉ मटेरियल, काफी सारा स्टफ, जैसे कि टेक्सटाइल्स, शुगर, ऑयल, जूट, ये सब हमें काफी इंडस्ट्रीज के लिए जो एग्रीकल्चर है वो हमें प्रोवाइड करती है। इंडिया हैज अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जो इंडिया है उसका एक फेवर क्लाइमेट है जो ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए फेवर में है, है ना, जो उनके लिए ही सूटेबल है। सूटेबल टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, गुड क्वालिटी सीड्स, मेन्योर एंड द लेबर आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्मिंग। कौन सी चीज़ चाहिए हमें फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए? वाटर चाहिए, है ना, सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स होना चाहिए, है ना, लेबर भी होनी चाहिए, जो डंग है हमें, मेन्योर है, वो भी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या हैं? दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मिंग। फार्मिंग इन इंडिया ग्रो अ वाइड वराइटी ऑफ बोथ फूड एंड कैश क्रॉप्स। जो फार्मर्स हैं इंडिया में वो काफ़ी वैरायटी में फूड और जो कैश क्रॉप्स है उसे ग्रो करते हैं। समर एंड विंटर आर द टू मेन एग्रीकल्चर सीजन्स इन इंडिया, है ना। एक समर के टाइम जो है प्रोडक्शन की जाती है, एक विंटर के टाइम की जाती है। द क्रॉप्स आर ग्रोन इन दीज सीजन्स आर नोन एज खरीफ एंड रबी रिस्पेक्टिवली, है ना। इन क्रॉप्स को जो समर में होती है हम क्या बोलते हैं? खरीफ। जो विंटर में होती है उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है फूड क्रॉप्स। द मेजर फूड क्रॉप्स आर, जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं? राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, मेज, ये जो है मेन क्रॉप्स हैं। राइस एंड व्हीट आर अवर स्टेपल फूड क्रॉप्स। और जो जो मेन क्रॉप्स हैं कौन सी आ जाती हैं बेटा? प्लीज कीप इट इन माइंड द मेन थिंग्स। जो मैंने आपको ऊपर भी करवाया रबी और खरीफ क्रॉप्स, वो आपका मेन पॉइंट है, उसे आप माइंड में रखो। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्या है? जो मेजर क्रॉप्स हैं वो आपको लर्न होनी चाहिए, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, मेज, है ना। जो राइस और व्हीट हैं वो एक हमारे लिए क्या है? एक स्टेपल फूड क्रॉप्स है। मतलब स्टेपल का मतलब क्या होता है? पीस ऑफ थिन वायर विद टू शॉर्ट एंगल एंड एंड पीसेस व्हिच ड्राइवन बाय स्टेपल थ्रू अ शीट्स ऑफ पेपर टू फास्टन देम टुगेदर, है ना। नेक्स्ट, राइस ग्रोज वेल इन प्लेसेस वेयर गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। राइस की ग्रोथ कहाँ पे होगी? जहाँ पे अच्छी वाटर की हमें अमाउंट मिल रही है, ठीक है, जहाँ पे क्लाइमेट जो होगा हॉट होगा, गर्म होगा। इट इज ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स बट द मेन राइस ग्रोइंग एरियाज आर पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। लेकिन जो मेन राइस है, जो राइस है उसके प्रोडक्शन कहाँ कहाँ, कौन से एरियाज में होती है? पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, ये जो आपने स्टेट्स हैं ये आपने लर्न करनी है एज इट इज। वीट, जो वीट है, वीट एंड सम ऑफ द पल्सेस नीड मॉडरेट वाटर सप्लाई एंड कूलर कंडीशन। लेकिन जो वीट है उसके लिए हमें थोड़ी सी कूल कंडीशन चाहिए होती है, जो वाटर है वो थोड़ा मॉडरेट चाहिए होता है, राइस के थोड़ा ऑपोजिट है। तो ये एक विंटर क्रॉप है। इट इज ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और जो ये वीट क्रॉप है ये हमें कहाँ मिलेगी? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में मिलेगी।
ठीक है। तो बेटा यहाँ तक एक बार ध्यान से देख लो कि जो फूड क्रॉप्स हैं किसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है, वीट के लिए कौन सा हमें क्लाइमेट चाहिए, राइस के लिए कौन सा क्लाइमेट चाहिए, है ना। नेक्स्ट है मिलेट्स आर नोन एज ड्राई क्रॉप्स, जो मिलेट है उन्हें हम ड्राई क्रॉप्स भी कह देते हैं। दे आर नोन इन एरियाज ऑफ राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, वी आर लो रेनफॉल इज रिसीव, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा, बारिश कम होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जो मिलेट्स है वो हमें ज्यादा मिलेंगी। कौन से मिलेट्स होते हैं, जोवार, बाजरा एंड रागी, ये क्या है, मिलेट्स है, ड्राई क्रॉप्स है, कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे रेनफॉल कम होगा। पल्सेज आर रिच इन प्रोटीन्स, जो पल्सेज होते हैं उनमें प्रोटीन ज्यादा होता है, दे आर ऑल्सो यूज एज अ फॉडर फॉर कैटल, वो कैटल के फॉडिंग के लिए यूज किए जाएंगे, दे आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे उनकी प्रोडक्शन की जाती है, बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर सम ऑफ द पल्सेज। पल्सेज की एग्जाम्पल कौन सी है, ये जो आपने बंगाल ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम दिए गए हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेज, ये पल्सेज के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सो लर्न इट इज एज इट इज। सो नेक्स्ट है बेटा कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं, फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स ओनली फॉर सेल इन द मार्केट, जो सेल करने के लिए, सिर्फ मार्केट में बेचने के लिए जिनकी प्रोडक्शन की जाती है, दैट इज कॉल्ड कैश क्रॉप्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कैश क्रॉप्स। द इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स आर सोया सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर केन, स्पाइसिस, टोबैको, टी एंड कॉफी, वो कौन से होते हैं जो जिनकी उनको सिर्फ सेल करने के लिए मार्केट में मतलब प्रोडक्शन की जाती है, वो कौन सी हैं, ऑयल सीड्स है, कॉटन है, जूट है, शुगर क्रेन है, ठीक है, स्पीसीज है। मूव टू द नेक्स्ट, ऑयल सीड्स इंक्लूड। अब ऑयल सीड जो है, ऑयल सीड क्या है, ये एक कैश क्रॉप है ना, प्रोडक्शन किसके लिए की जाएगी, सेल के लिए की जाएगी, उसमें क्या क्या आ जाता है, ग्राउंड नट्स आ जाते हैं, सी सेम आ जाता है, मस्टर्ड, कस्टर्ड सीड्स आ जाते हैं, ड्राई कोकोनट एंड कोपरा, सनफ्लावर एंड लिंसी, ठीक है। दे आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये डिफरेंट पार्ट्स पे इसकी प्रोडक्शन है वो की जाती है। द ऑयल दैट वी यूज फॉर कुकिंग कम फ्रॉम ऑयल सीड्स, जो ऑयल जो है हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, इट कम्स फ्रॉम ऑयल सीड से वो आता है, और उसे हम वेजिटेबल ऑयल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम उन्हें, वेजिटेबल ऑयल। जो फाइबर क्रॉप है वो कौन सी होती है, जूट एंड कॉटन, क्यों, जूट इज यूज टू मेक बैग, जूट किसके लिए यूज किया जाता है, बैग्स बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इट इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं वो, वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में और उड़ीसा। कॉटन इज ग्रोन इन पंजाब, पंजाब में प्रोडक्शन किसकी होती है, कॉटन की, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में, ठीक है। तो बेटा ये आपने लर्न करना है। नेक्स्ट है स्पीसीज, स्पीसीज कौन सी होती हैं, पेपर हो गया, क्लोव्स हो गए, चिलीज, कार्डमन, क्यूमिन सीड्स, नटमेग, सिनेमन एक्सेट्रा, दे हैव मेडिकल वैल्यूज, आर यूज टू एड फ्लेवर टू फूड, फूड में फ्लेवर देने के लिए, टेस्ट लेके आने के लिए हम स्पीसीज यूज करते हैं। दे आर ग्रोन इन मेन इन, वो कहाँ पे है, ज्यादा केरला में है, कर्नाटका में है, ठीक है, और जो टी है, टी असम में है, वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी हिल्स में, जो तमिलनाडु के हिल्स है वहीं पे हमें मिलेगा, एंड कॉफी इज ग्रोन इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। और जो हमें कॉफी है उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे ज्यादा मिलती है, कर्नाटका में, केरला में एंड तमिलनाडु में। तो बेटा यहाँ तक विद इन टू मिनट्स ध्यान से देख लो कि ऑयल सीड्स कौन से होते हैं, कहाँ उनकी प्रोडक्शन की जाती है, फाइबर क्रॉप्स क्या हैं और स्पीसीज क्या हैं, इन्हें ध्यान से देख लो एक बार। ओके बेटा लेट्स मूव फर्दर, डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है ना, उसकी जो पहले एंशियंट फार्मिंग की जाती थी, उसके बाद मॉडर्न मॉडरेट फार्मिंग हो गई, उसमें डिफरेंस करेंगे। फर्स्ट है, इन एंशियंट टाइम फार्मर यूज्ड एनिमल्स एंड सिंपल टूल्स लाइक प्लो, सिकल, स्पेड एक्सेट्रा इन फार्मिंग, इरीगेशन वॉज डन मैनुअली।
जो ओल्ड टाइम था, एंशियंट टाइम था, तो फार्मर्स क्या यूज करते थे, दे यूज्ड एनिमल्स, जैसे सिकल, स्पेड या टूल्स यूज करते थे फार्मिंग के लिए। ठीक है, इरिगेशन भी मैनुअली की जाती थी, बाय ह्यूमन की जा रही थी। अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव हैपेंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन विद द टाइम बीइंग थिंग्स हैज चेंज, एग्रीकल्चर सेक्टर हैज चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो चेंज हो गया। मैनी मॉडर्न मशीन्स आर यूज बाई फार्मर्स दीज डेज, जो मॉडर्न मशीन्स हैं वो अब चेंज, अब वो मतलब एंशियंट फार्मिंग की मतलब उनकी जगह पे यूज होने लग गई। द गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग आउट वेरियस स्कीम्स टू हेल्प देम, गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है उनके लिए, फार्मर्स के लिए। लोन्स विद वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स आर मेड अवेलेबल टू देम टू बाय लैंड एंड इक्विपमेंट्स, और जो लोन्स हैं लो इंटरेस्ट के ऊपर वो भी अवेलेबल करवा रही है गवर्नमेंट, है ना, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रही है। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ अ रीजन जनरली टेक केयर ऑफ दिस नीड्स ऑफ द फार्मर्स, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं वो ध्यान रखती हैं फार्मर्स की नीड का, कि फार्मर्स को कौन सी चीज चाहिए प्रोडक्शन के लिए। इन ऑर्डर टू एजुकेट द फार्मर अबाउट द चेंजिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफन कंडक्ट्स वर्कशॉप, और जो जो इंसानों जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्कशॉप्स भी लगा रही है किसानों की। ठीक है, दे आर यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छे अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज किए जा रहे हैं, बीज यूज किए जा रहे हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड यूज करे जा रहे हैं। दे हैव ऑल्सो रिप्लेस्ड प्लोज एंड एनिमल्स विद ट्रैक्टर्स, जब जब जिनको पहले प्लो किया जाता था अब वो एनिमल्स के साथ, ट्रैक्टर्स के साथ कंबाइंड हार्वेस्टिंग की जा रही है, किसके लिए, ताकि हार्वेस्टिंग है वो जल्दी हो और ईजी भी हो जाए। ठीक है, ऑल दीज चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट इन 1970 बाय अ मूवमेंट विच हैज बीन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, ये सारे जो चेंजेस हैं ये 1970 में जो मूवमेंट आई थी सेल्फ सफिशिएंट की, उसमें ये सारे चेंजेस लाई गई। उस चेंज को हम क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, ये एक मूवमेंट थी 1970 में आई थी, किस चीज के लिए आई थी, ताकि जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बन सके फूड की प्रोडक्शन में, मतलब डिपेंड ना रहे दूसरों के ऊपर। मूव टू द थर्ड पार्ट, लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक क्या होता है, जो कैटल रियरिंग की जाती है, पशुपालन किया जाता है। एनिमल रियरिंग दैट इज डोमेस्टिकेटिंग लुकिंग आफ्टर द एनिमल्स हैज बीन अ वाइटल पार्ट ऑफ रफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो एनिमल की रियरिंग होती है वो एक डोमेस्टिकेटिंग, उनका ध्यान रखने के लिए है, ये एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जो मैन है वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, और उन्हें क्या करते हैं, अपने मूवमेंट्स के लिए प्लेस टू प्लेस यूज भी करते हैं, काउस, बफलोज, गोस, ऑक्सन, कैमल, शीप, हॉर्सेस, डंकीज, म्यूल्स एंड द डॉग्स आर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक एनिमल्स, जिनको हम डोमेस्टिक कर सकते, घर पे पालतू हैं जो हमारे लिए, वो कौन से हैं, हॉर्स, डंकी, गोट, ऑक्सन, कैमल, शीप, दे आर यूजफुल टू अस एंड सर्व अस इन मेनी डिफरेंट वेज, वो हमारे लिए यूजफुल भी हैं और वो हमें सर्व भी करते हैं। कैटल गिव्स अस मिल्क, जो कैटल है वो हमें क्या देती है, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड, चीज एंड बटर आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड, है ना, मिल्क, मिल्क, मिल्क से हमें क्या क्या चीज मिलती है, प्रोवाइड होती है, कर्ड, चीज, बटर, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है फूड के। बुल्स एंड ऑक्सन आर यूज टू प्लो द फील्ड्स, ऑक्सन, हॉर्सेज एंड बुल्स आर यूज टू पुल कार्ट्स, कार्ट के लिए उसको, उसके ऊपर कुछ कुछ जो गुड्स हैं उनको ऊपर क्या रखने के लिए, मतलब लेके आने के लिए यूज किया जाता है। शीप आर यूज टू प्रोवाइड अस वूल, वूल प्रोवाइड होती है शीप से हमें। कैमल्स आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द डेजर्ट रीजन, जो डेजर्ट रीजन है वहां पे जो कैमल्स हैं किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, गुड्स लेके आने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरे जगह लोगों के जाने के लिए यूज किए जा रहे हैं। इन अवर विलेजेस, जो हमारे लोकल विलेजेस हैं, फार्मर्स हैं, वो उन्होंने अपने आप को ऑक्यूपाई किया हुआ है, अपने आप को बिजी रखा हुआ है, किसमें, एग्रीकल्चर में भी, एनिमल रियरिंग में भी। दिस टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग, ऐसी ऑक्यूपेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सी होती है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें एग्रीकल्चर भी किया जाए और एनिमल रियरिंग भी की जाए। एनिमल वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर फॉर द लैंड एंड द फार्म वेस्ट इज अ फॉडर फॉर एनिमल्स, जो एनिमल का वेस्ट है, डंग है जो,
है ना, उसे लैंड के लिए यूज किया जाता है, और जो फार्म वेस्ट है वो एज अ फॉडर यूज किया जा रहा है. काउ डंग इज यूज इन विलेजेस टू प्रोड्यूस बायोगैस, जो बायोगैस के लिए जो काउ डंग है दैट इज ऑल्सो यूज, वो भी यूज किया जाता है, वो रिन्यूएबल भी है और चीप सोर्स भी है. एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक टूगेदर एड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. इन दोनों की वजह से, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक दोनों की वजह से जो हमारा इंडिया है उसकी जो है प्रोडक्शन हो रही है. सो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. कैसे क्या क्या रीड किया हमने, लेट्स रिकॉल पूरे चैप्टर. मैं विद इन 3 to 4 minutes पूरा रिकॉल करूंगी कि हमने कैसे जो एग्रीकल्चर है, इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. इंडिया की मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर है उसके साथ हमें कौन सी चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, है ना, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो कैसे फेवरेबल है, कौन सी चीज, विच थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फार्मिंग, कौन सी चीज उसके लिए रिक्वायर्ड होगी. देन वी रेड अबाउट द रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, ठीक है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, है ना, कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट वी डू वी नीड फॉर द व्हीट एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट डू वी नीड फॉर द राइस. राइस के लिए थोड़ा हमें हॉट चाहिए होता है जो क्लाइमेट होना चाहिए, और वीट के लिए हमें थोड़ा कूलर कंडीशन चाहिए होती है ना. ये हमने सारा पढ़ा कि जो पंजाब में, पंजाब हरियाणा राजस्थान में जो है वीट की प्रोडक्शन ज्यादा होती है, और असम बिहार आंध्र प्रदेश में जो राइस की ज्यादा हो रही है. फिर बेटा हमने मिलेट्स के बारे में पढ़ा था, जो मिलेट्स होते हैं उन्हें ड्राई क्रॉप्स बोला जाता है, उनकी प्रोडक्शन इसमें होती है जिसमें लो रेनफॉल जो है रिसीव की जाती है. देन वी रेड अबाउट द पल्सेस. पल्सेस क्या होते हैं, जो रिच होते हैं, मतलब प्रोटीन में रिच होते हैं, जो एज अ फॉडर यूज किए जाते हैं कैटल्स के लिए, ठीक है, उनको फूड प्रोवाइड करने के लिए. ओके बेटा, उसके आगे हमने क्या रीड किया था, जो ऑयल्स यूज होते हैं वो कौन से हैं, है ना, कि कैसे ऑयल सीड्स को कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, और वेजिटेबल ऑयल भी बोला जाता है. नेक्स्ट है बेटा फाइबर क्रॉप. फाइबर क्रॉप कौन सी होती है, जूट, कॉटन, है ना, कहाँ कहाँ उन्हें यूज किया जाता है. नेक्स्ट है स्पीसीज. स्पीसीज को दैट वी यूज देम टू एड फ्लेवर टू अवर फूड. फूड में फ्लेवर एड करने के लिए यूज किया जाता है. केरल और कर्नाटका में यूज किया जाता है ना. जो टी है वो असम में इसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है ना, नीलगिरी हिल्स में. नेक्स्ट हमने क्या रीड किया था, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एशियन फार्मिंग एंड द मॉडर्न फार्मिंग, के कैसे जो इक्विपमेंट्स थे दैट हैज चेंज्ड इन द एशियन टाइम्स, द फार्मर्स वर यूजिंग प्लो, सिकल, स्पेड, बट नाउ द थिंग्स हैज चेंज्ड, दे आर डूइंग फार्मिंग विद द ट्रैक्टर्स, विद द नाउ गवर्नमेंट हैज government is giving loan to the farmers, they are providing them equipments, they are providing them seeds, ke government kaise help kar rahi hai, wo seeds provide kar rahi hai, pesticide use kar rahi hai na. The plows are replaced with tractors, jo plows hain wo उसके साथ वो चेंज होते जा रहे हैं. वर्कशॉप्स अलग पे करवाई जा रही है ना, सीड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. फिर हमने रीड किया था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो 1970 में आई थी, उसका पर्पस क्या था. नेक्स्ट है बेटा लाइफ स्टॉक, जो पशुपालन किया जा रहा है उसका क्या फायदा है, जो एनिमल्स हैं हाउ आर दे यूजफुल टू अस, कैसे हमारे लिए यूजफुल है, कौन सी चीज जो है कैटल से हमें प्रोवाइड हो रही है, ऑक्स का यूज कैसे किया जा रहा है, कैमल्स हमारे लिए क्या कर रहे हैं, है ना, जो हॉर्सेस हैं वो हमारी कैसे हेल्प कर रहे हैं. देन वी रीड अबाउट द हाउ द फार्मिंग ऑक्यूपाइज, द फार्मर्स ऑक्यूपाई देमसेल्फ इन एग्रीकल्चर, मिक्स्ड फार्मिंग की जा रही है ना, जो एनिमल्स वेस्ट है वो एज अ मैन्योर यूज किया रहा है और फॉडर बन रहा है वो एनिमल्स के लिए. तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है. इसका कल क्लास लगेगी, सेम टाइम पे आपकी क्लास लगेगी. तो कल आपका इस चैप्टर का होल टेस्ट है, विद क्वेश्चंस, विद कीवर्ड्स, विद, ठीक है, एक लाइन टू लाइन मैंने आपको बेटा पूरा चैप्टर समझा दिया. तो योर डायरी इज लर्न होल चैप्टर विद क्वेश्चंस, विद बुक वर्क, विद कीवर्ड्स. इज इट क्लियर? तो सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न कर लिया. इसमें क्या है, कीवर्ड्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट भी है, एक और टेक्स्ट भी है इसमें, एंड काफी है इसमें आंसर द क्वेश्चंस, ऑप्शंस भी हैं. तो ये सारी चीजें बेटा आपने प्रिपेयर करनी है. दिस इज योर डायरी. आई होप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. लेट मी नो, इसका कोई डाउट है तो से यस और नो.
है बेटा किस कोई डाउट? यस बेटा एनी डाउट? मैम यस बेटा मैम जो आपने आज समझाया इसका भी टेस्ट होगा? यस बेटा इसका टेस्ट नहीं होगा, इसका बुक वर्क जो है पूरे चैप्टर का टेस्ट है। मैंने आपको चैप्टर समझा दिया है, बस चैप्टर से रीडिंग करो, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इसी चैप्टर में से। मैम क्वेश्चन आंसर का भी है? यस यस सभी चीजों का है, क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क, कीवर्ड्स, पूरे चैप्टर का टेस्ट है। मैम ओरल? ओरल टेस्ट होगा जूम क्लास में। सभी को समझ आ गया बेटा टेस्ट? नवनीत, समर, सीरत, किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? नो। ओके मैम नो। ओके बेटा वेरी गुड। तो लेट मी मार्क योर अटेंडेंस। अटेंडेंस अबाउट मी अमन 2469, अनुरीत 2478, कोमलप्रीत कौर 2468, नवदीप कौर 2429, नवनीत कौर 2502, समरवीर सिंह, सीरत, सहज, सुमन, रणदीप। ओके बेटा दैट्स ऑल। तो आई होप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो बेटा आई एम रिमाइंडिंग यू अगेन, कल आपका जो मैंने पूरा चैप्टर आपको समझाया, जो मैंने आपको पूरा ये कंसेप्ट समझाया इस चैप्टर का, अच्छे से इसकी टेक्स्ट की रीडिंग कर लेना, मतलब जो चैप्टर मैंने आपको समझा दिया एक बार इसे ही अच्छे से देख लेना, एवरीथिंग विल बी क्लियर, सारा जो आपको है पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। क्लियर बेटा? ओके बेटा यू मे लीव नाउ, वी विल मीट टुमारो, गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।